गठबंधन टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात और भी ज्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। जिस तरह से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है, उससे कहीं ना कहीं अब सूबे में फिर से हालात गर्म हो रहे हैं और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की आज़ादी की मांग उठने लगी है। बता दें आपको, अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मशाल मलिक ने भारत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए आज़ादी की बात कही है। आज जितनी ज्यादा शहादतें हमें हो गई हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ दो दिनों के अंदर, दो रातों के अंदर 20 से ज्यादा शहादतें मिल गई हैं। हमें बॉडी बैग्स मिल रहे हैं और वहां पे कोहराम मचा हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर। मैं अपील कर रही हूँ पाकिस्तानी नेशन से, पाकिस्तान की हर माँ से, कि आपके भी वो बच्चे हैं जो वहां शहीद हो रहे हैं, जो सिसकियां, जो आहें, जो चीखें, जो चीखो पुकार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। हमारा क्या कसूर है? हम आजादी मांग रहे हैं, हम हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। हिन्दुस्तान की जो दहशत गर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस दहशत गर्दी को रोकने में आप लोग हमारा साथ दें, निकले बाहर, सड़कों पर निकले, एहतजाज करें, दुनिया भर को ये बताएं कि आप कश्मीरी कौम पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको रोकने में हमारा साथ दें, हमारी आवाज बने। हमारी और कितनी लाशें चाहिए कि तब दुनिया रियलाइज करेगी? यूनाइटेड नेशंस कहां सो रहा है? पाकिस्तान की मैं गवर्नमेंट को अपील करती हूं कि फिल फॉर इस वक्त इमरजेंसी में अपने वक्त भेजे दुनिया की ग्लोबल कैपिटल्स के अंदर। खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, सारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान की, इस वक्त ग्लोबल कैपिटल्स के डोर्स नॉक करें, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में जाएं, शोर मचाएं और कहें कि ये बंद किया जाए ये जुल्म। और कितनी लाशें और कितने बॉडी बैग चाहिए होंगे कि हमें आजादी मिलेगी और हमें छुटकारा मिलेगा? और जो एक वैशी, एक जानवर, एक दरिंदे की तरह बन गया है हिंदुस्तान, इसको इसकी जो प्यास है हमारे खून की, वो बुझती ही नहीं है। बताते चले आपको, मशाल से पहले भी अपने पति यासीन मलिक से मिलने के लिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर सुर्खियों में आ चुकी हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।